तो गाइज आज हम भारत की मर्दाओं के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मर्दा होते किसे हैं और यह कितने प्रकार की होती है, और साथ ही हम आपको बताएंगे भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मर्दा पाई जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मर्दा कहते किसे हैं। मर्दा को इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। मर्दा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रतिक्रिया के बाद मर्दा का रूप ले लेती है। और मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को ही मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को लगभग 8 भागों में विभाजित किया है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो 8 मिट्टियाँ कौन सी हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बांटा है। नंबर फर्स्ट पर है जलोढ़ मिट्टी, नंबर सेकंड पर है काली मिट्टी, नंबर थर्ड पर है लाल मिट्टी, नंबर फोर्थ पर है लेटराइट, नंबर 5 पर है पर्वतीय, नंबर 6 पर है दलदली, और नंबर 7 पर है मरुस्थलीय, और नंबर 8 पर है लवणीय। यही 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा 4 प्रकार की मिट्टियां कौन सी पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। नंबर 2 पर है लाल मिट्टी, और नंबर 3 पर है काली मिट्टी, नंबर 4 पर है लेटेराइट। ये चारों मिट्टियां ही भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। कहेंगे कि भारत में मिट्टियाँ जो है उनमें सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, क्योंकि हमने देखा है कि चीन, अमेरिका, उनमें क्षेत्रफल कम है लेकिन उनमें पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका अहम रोल निभाती है मिट्टी। तो आज हम जानेंगे कि मिट्टियों में ऐसी कौन सी कमी है जिनसे पैदावार भी कम होती है। भारत की मिट्टियों में लगभग 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन, नंबर 2 पर है फॉस्फोरस, और नंबर 3 पर है ह्यूमस। अब मैं आपको बता दूं, ह्यूमस यानी जीवाश्म। तो जीवाश्म कहते किसे हैं? यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी कि इनका विघटन होने से कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, जिसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। मतलब कि जो कि पेड़ पौधे हैं, जो कि जीव जंतु हैं, यह अपने आप ही सिकुड़ने गलने लगते हैं बहुत दिन और बहुत सालों से इनका विघटन हो जाता है, उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। अब हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। मिट्टी भारत नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है, और जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, और इसका क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान व तटीय मैदान पर पाया जाता है। इसमें बात करें, इस मिट्टी में किस किस चीज़ की प्रचुरता, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो चूना तथा पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इस मिट्टी में। और कमी मैंने आपको पहले ही बता दी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी इस मिट्टी में पाई जाती है। इस मिट्टी में नहीं बल्कि सभी मिट्टियों में इन तीनों चीज़ों की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तथा साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को लगभग 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट है बागर, और नंबर 2 है खादर। बागर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है लेकिन वह पुरानी हो जाती है, तो उसे हम बागर कहते हैं। और खादर मिट्टी जो कि नई है लेकिन है जलोढ़ मिट्टी ही, उसे हम खादर कहते हैं। अब हम बात करेंगे काली मिट्टी की। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, साथ ही ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है तब भी काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी या फिर लावा मिट्टी भी कहते हैं। बात करें इस मिट्टी के रंग की, तो यह इस मिट्टी का काला रंग में टेर्निफेरस टेडेनाइट पाया जाता है, जिस कारण कि इस मिट्टी का रंग काला होता है। अब बात करेंगे इनके क्षेत्रों की कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, पर्वतीय और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली और बात करें इनमें सबसे ज़्यादा की, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को हम जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक पाई जाती है, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। मतलब कि यह सबसे ज़्यादा पानी सोखती है, और जब भी बारिश आती है तो पानी सोख लेती है, और बारिश आने के बाद जब इस पर धूप पड़ती है तो वह फटने लगती है,
और जिस कारण ऐसा लगता है कि इस मिट्टी को जोता हुआ है। थर्ड पर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। यह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नंबर 4 पर लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लोहे ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। मिट्टी में निक्षालन की क्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी केरल, मेघालय, कर्नाटक, उड़ीसा में से सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग सबसे ज्यादा ईंट बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कि ईंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग इसी मिट्टी का किया जाता है। इसके अलावा हम लोग उन मिट्टियों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि भारत में 8 भागों में विभाजित की गई हैं। तो इनमें से है लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लार, उसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। अब हम बात करें पर्वतीय मिट्टी की। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस मिट्टी को देख पर यह मिट्टी देखने को मिल जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम आदि में देखने को मिलता है और यह पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। अब बात करें मरुस्थलीय मिट्टी की। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत के राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्य उगान संभव नहीं है, पर यहाँ पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों आदि प्रकार की खेती की जाती है। अब बात करेंगे दलदली मिट्टी की। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने गलने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्य केरल, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।